अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जीएस की एक और लाइव स्ट्रीम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस नेक्स्ट जीएस की लाइव स्ट्रीम में हम वर्डप्रेस और नेक्स्ट जीएस को देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट फ्रंट एंड, जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी यूजिंग नेक्स्ट जीएस, और बैक एंड में हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस जो कि एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बेसिकली वीडियो या लाइव स्ट्रीम उन दोस्तों के लिए जो वर्डप्रेस को एज अ बैकएंड यूज़ करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस को एज अ फ्रंट एंड। सो जब से मैंने भी नेक्स्ट जेएस पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि अब हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप की बजाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम बगैर कोई एक्स्ट्रा प्लगइन अपनी तरफ से इंस्टॉल किए नॉर्मली हमें करने पड़ते हैं समटाइम, बट फॉर द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमें किसी भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी के साथ वर्ड प्रेस के सॉरी नेक्स्ट जेएस को क्रिएट नेक्स्ट ऐप की मदद से एक फुली वर्किंग सिंगल पेज एप्लीकेशन विद प्री रेंडर मेथड्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक जो मैंने बातें की हैं वो सही से समझ आ गई हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको आवाज़ और वीडियो जो है वो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है और उसमें उसने मुझे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो आवाज़ है और जो वीडियो है वो क्लियर है। मैं इस वक्त 1080p पर ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो सही है या नहीं। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आवाज़ और जो वीडियो है वो आपको सही से नज़र आ भी रही है या नहीं। ये लाइव स्ट्रीम के साथ हर दफ़ा कोई ना कोई नया इशू आ जाता है। तो 7 लोग इस वक्त देख रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको आवाज़ और वीडियो जो है वो क्लियर है या नहीं है, ताकि हम फिर आगे इस लाइव स्ट्रीम को लेके चलें और हम स्टार्ट करें सीखना नेक्स्ट जेएस को विद वर्डप्रेस। अगर ड्यूरिंग दिस लाइव स्ट्रीम डिस्कनेक्शन का आपको मतलब आपको लग रहा हो कि डिस्कनेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सब्र कीजिएगा थोड़ा सा, वो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन इस तरह अनस्टेबल हो जाता है। तो अभी तक मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया कमेंट सेक्शन में कि जो ऑडियो है और वीडियो क्वालिटी वो क्लियर है या नहीं है। ओके जी, सचिन कह रहे हैं क्लियर है। तो प्लीज़ दूसरे दोस्त जो इस वक्त 6 लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, काइंडली मुझे बताइए कि सचिन जो कह रहे हैं वो ठीक है। आई एम श्योर कि सचिन ठीक कह रहे होंगे, लेकिन स्टिल अगर किसी को भी ऑडियो का या वीडियो का इश्यू है तो मुझे बताइएगा। ओके सचिन, मुझे ये भी बताइएगा 1080p पर आप देख रहे हैं या आप 720p पर या मोबाइल पर देख रहे हैं ये लाइव स्ट्रीम।
ओके जी, तो सचिन के पास भी 1080p पर चल रही है ये लाइव स्ट्रीम, और ए क्यू शाह कह रहे हैं जी क्लियर है अभी। अच्छा, रुखसार कह रहे हैं जी कौन सा VS कोड का थीम है ये? ये बेसिकली फ्लटर वाला जो डिफॉल्ट थीम है ये मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। थ्री 100 Mbps माशाल्लाह। ओके, ए क्यू शाह कह रहे हैं जी ऑडियो बेहतर है बट वीडियो ब्रेक हो रही है। वीडियो मेरे पास भी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, इसकी जो रीज़न मुझे जो लग रही है वो ये है कि स्ट्रीमिंग तो ठीक हो रही है, मतलब जो ट्रांसफ़र रेट है वो तो बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहा है कि अच्छा आ रहा है। 3000 से, असल में जब 3000 KBPS से कम की स्ट्रीमिंग होना तो 1080p पर वो इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। आप ऐसा कीजिए, इसको जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीमिंग की बफरिंग में, वो कोशिश करें कि इसको 720p पर फिलहाल कर लें। जब ये लाइव स्ट्रीम पब्लिक हो जाएगी ख़त्म होने के बाद, तो उस वक्त आप इसको प्रॉपरली 1080p पर आराम से देख सकेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट 7 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी तक अपनी जो आज की ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट नहीं की। मैं जस्ट ऑडियो वीडियो क्लियर होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और रुखसार कह रहे हैं जी 1080p पर क्लियर है फॉर मी। और एक विषय हो सकता है कि आपके पास इंटरनेट स्पीड स्लो हो जिस वजह से वो ये प्रॉब्लम कर रहा हो, जो मतलब जर्क आ रहे हो या वो स्ट्रीमिंग रुक रही हो, तो मे बी ये इशू हो आपके पास। आप 720p पर कर लीजिएगा अपने इस वीडियो प्लेयर को, ताकि आपको स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनको जो मोबाइल पर है वो 480p पर भी अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में जो वीडियो है और ऑडियो है वो हमको क्लियर ही मिलेगी। ओके, 7-8 मिनट हो चुके हैं। और हमने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं पिछले 5 जो लेक्चर हैं नेक्स्ट जेएस के, उसके उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली नेक्स्ट जेएस के बारे में बताया था। तो कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि हमने जब गेट स्टैटिक पाथ के अंदर फॉल बैक फॉल्स किया था तो उसका क्या मकसद है। तो बेसिकली फॉल्स फॉल बैक मैंने कहा था कि जब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो फॉल बैक की वर्ड है ये करता क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉल बैक फॉल्स करेंगे तो अगर आप कोई रिकॉर्ड सर्च मतलब कोई भी आप डाटा ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैंने लोकल होस्ट 3000 ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे पास अभी फॉल बैक जो है वो फॉल्स है। तो फॉल बैक फॉल्स की जो कंडीशन है उसमें अगर मैं कोई लिंक ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एरविन वाला ओपन कर लेता हूँ लिंक, सो अरविन वाला लिंक जब मैं ओपन करूंगा तो इसका जो डाटा है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक परफेक्टली फाइन आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो यूआरएल है कोई ऐसी उसको यूआरएल डायनामिक देता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं, जैसे मैं इसके आगे 1 लिख देता हूँ तो अब ये वाली यूआरएल अवेलेबल नहीं है, तो इन दिस केस अगर फॉल बैक फॉल्स होगा तो ये आपको 404 एरर पर रीडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, मतलब ये रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। देखिएगा अभी लोकल होस्ट पे ये अभी मुझे पेज 404 पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, तो ये एरर मिलेगा अगर फॉल बैक आपने फॉल्स सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप फॉल बैक को ट्रू कर देते हैं, यहाँ पर मैं आपको फॉल बैक को ट्रू करके दिखा देता हूँ, या VS कोड में ओपन करता हूँ इसको, और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास था पेजेस के अंदर यूज़र, इसके अंदर यूज़र नेम, और यहाँ पर हमने गेट स्टैटिक पाथ को यूज़ किया था, ये देखिए गेट स्टैटिक पास, और इसके अंदर हमने फॉल बैक को फॉल्स किया था। तो अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, फॉल बैक जो फॉल्स है उसको मैं ट्रू करने लगा हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कंपाइल होगा। तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसको पेज को जब रीलोड करूंगा
तो अब आप देखेंगे कि हमें बजाय 404 के यहां पर एरर देखने को मिलेगा। अच्छा, रुखसार कह रहे हैं कि आप कहाँ से हो। मैं जेहलम से हूँ, जेहलम सिटी है पंजाब में। तो ये देखिए, ये उसने कहा जी, टाइप एरर कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ यूज़र एज इट इज़ अनडिफाइंड। मतलब उसने हमें गेट यूज़र जो गेट स्टैटिक पाथ्स है, उसने एक अनडिफाइंड उसको रिटर्न कर दिया, गेट स्टैटिक प्रॉप्स को। तो हम इसको अगर प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि जो गेट स्टैटिक पाथ्स है वो अनडिफाइंड डायरेक्ट सेंड ना करे गेट स्टैटिक प्रॉप्स को, सो इन दैट केस हमें जो है इसको फॉल्स करना पड़ेगा, फॉल बैक को। तो अब मैं दोबारा इसको फॉल्स कर रहा हूँ, सेव किया। सो जैसे ये दोबारा से कंपाइल होगा, तो अब हमारे पास यहाँ पर दोबारा 404 आ जाएगा एरर। तो यहाँ पर ये कंपाइलिंग कर रहा है। तो देखिए, सॉरी, मुझे पेज को रीलोड करना चाहिए। तो अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ क्योंकि कंपाइल हो चुका है, तो अब इसको रीलोड करना चाहिए था। तो अब हमने क्या किया हुआ है, फॉल बैक को फॉल्स किया हुआ है। तो देखिए, हमें 404 एरर मिला। तो इसका मतलब है कि द पेज यू आर लुकिंग फॉर और द लिंक यू आर लुकिंग फॉर और द राउट यू आर लुकिंग फॉर हैज़ नॉट बीन फाउंड। तो ये फ़ायदा होता है हमें फॉल बैक फॉल्स करने का। नॉर्मल कंडीशन में हम फॉल बैक को फॉल्स ही रखते हैं, हम इसको ट्रू नहीं करते क्योंकि फिर वो एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये यूज़र एक्सिस्ट करता है तो इसका डाटा हमें यहाँ पर स्क्रीन पर प्रॉपरली शो हो रहा है। अब जो यूज़र एक्सेस जो यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं करते होता, मतलब जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसका उस सूरत में हमें 404 मिलेगा अगर हमने फॉल बैक को फॉल्स किया हुआ है और ट्रू किया हुआ है, तो उस सूरत में हमें फिर एरर देखने को मिलेगा। तो ये था प्रीवियस ट्यूटोरियल में, किसी दोस्त ने क्वेश्चन किया था इसका, फॉल बैक के बारे में हमें बताइएगा, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। तो वर्डप्रेस हमारे पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम क्विकली वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स। मतलब हमें प्रॉपरली एक थीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो जो जिस किस्म की हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, LMS कर रहे हैं या कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर कुछ प्लगइन्स और थीम्स को चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट विद इन मिनट्स या विद इन 1 और 2 आवर्स जो है वो कम्प्लीटली सेटअप हो जाती है। अब वर्डप्रेस दो किस्म की डोमेन्स पर अवेलेबल है, एक wordpress.org है। अगर आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को सेल्फ होस्टेड करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास डोमेन मौजूद है, होस्टिंग मौजूद है, उस पर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको wordpress.org पे जाकर वहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो काफ़ी सारी जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉलर प्रोवाइड करती हैं वर्डप्रेस का, जिस पर आप क्लिक करके वर्डप्रेस को विद सिंगल क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप उसके WP एडमिन पर लॉगिन हो सकते हैं। WP, अब मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई कि जिन दोस्तों को वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता वो भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकें। सो यहाँ पर आपने वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल करना है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको PHP आती है और आपने ज़ैम्प, वैम्प, मैम्प या लैम्प या मैप या वॉलेट या लारागॉन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर आप आसानी के साथ वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद WP एडमिन के ज़रिए उसके एडमिन डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ पर अब आप पोस्ट या पेजेस जिसको भी आप नेक्स्ट JS के साथ शो करना चाह रहे हैं उनको आप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर पोस्ट का सेक्शन मौजूद है, तो मैं पोस्ट को ही लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मेरे पास पोस्ट क्रिएटेड है। तो इन पोस्ट को मैं अब नेक्स्ट JS के थ्रू एक्सेस करूँगा, प्लस मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा GraphQL को। तो GraphQL को यूज़ करने के लिए, अब मैं सबसे पहले GraphQL के बारे में भी बता दूं, अगर आपको नहीं पता, तो GraphQL हमारे पास एक क्यूरी लैंग्वेज है। जस्ट लाइक REST API, GraphQL भी APIs के थ्रू काम करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको हर किस्म के डाटा के लिए डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट नहीं करनी पड़ते या एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की URL क्रिएट नहीं करनी पड़ती। इसमें आप सिंपली उस
किसी जिस डाटा को, फॉर एग्जांपल पोस्ट को गेट करना चाह रहे हैं तो पोस्ट को कॉल करेंगे, और उसके बाद जिस जिस फील्ड को आपने एक्सेस करना है उसका उसका जो भी आईडी है वो, उसकी फील्ड नेम है वो आप प्रोवाइड करेंगे और आपके पास वो डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ पोस्ट हैं मेरे पास जो कि 3 पेजेस पर मुश्तमिल है, और बाई डिफ़ॉल्ट मुझे 9 आई थिंक 10 या 9 पोस्ट मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या, आपने यहाँ से आना है प्लगइन्स के सेक्शन में और ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसकी मदद से हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपने इस वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में, और उस प्लगइन का नाम है WP, यहां पर हम लिखेंगे WP GraphQL। सो WP GraphQL हम लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ऑल दो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जस्ट आपको मैं बताने के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है WP GraphQL। WP GraphQL इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वर्डप्रेस प्लगइन दैट प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेबल GraphQL स्कीमा एंड API। इसके बाद हमारे पास WP GraphQL योस्ट SEO प्लगइन के लिए भी है कि अगर आप योस्ट SEO की करना चाह रहे हैं, अपनी SEO करना चाह रहे हैं अपने फ्रंट एंड की, तो आप इस प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हैं, WP GraphQL योस्ट SEO एड ऑन। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपके वेबसाइट में वर्डप्रेस में योस्ट SEO का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल नाउ का लिंक आ रहा होगा आपके पास, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्लू कलर में एक्टिव का लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव ग्रे आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और वो एक्टिवेट भी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर आते हैं GraphQL, आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए ये GraphQL, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ है सेटिंग्स। तो इसकी सेटिंग को देख लेते हैं कि आपने क्या सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले आपने इसको एंड पॉइंट देना है, एक ही एंड पॉइंट होगा हमारा GraphQL एंड पॉइंट। तो यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहें, लिंक देना चाहें, आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये 3-4 बॉक्सेस चेक कर देने हैं, और ट्रेसिंग रोल एडमिनिस्ट्रेटर रहना है। फिर कह रहा है एनेबल GraphQL क्यूरी लॉग्स, अगर आप इसकी क्यूरी लॉग्स को लॉग करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी चेक बॉक्स कर सकते हैं, क्यूरी लॉग रोल एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब है ट्रेसिंग रोल और क्यूरी लॉग का रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही एक्सेस कर सकता है। सो एनेबल पब्लिक इंट्रोस्पेक्शन, सो GraphQL इंट्रोस्पेक्शन इज अ फीचर दैट अलाउ द GraphQL स्कीमा टू बी क्यूरिड फॉर प्रोडक्शन एंड स्टेजिंग इन्वायरमेंट एज वेल। तो इसको आप सेव कर लेंगे ये सेटिंग्स करके। आपने 4 यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और एक ये वाला ऑप्शन, और ये ऑटोमेटिकली ग्रेड आउट होगा और सिलेक्टेड होगा। तो इतनी ही सेटिंग्स हैं GraphQL की, और इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। उसके बाद आपने आना है GraphQL IDE पर, ये लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है। GraphQL IDE आपको बेसिकली एक GUI प्रोवाइड करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी मदद से आप अपनी हर किस्म की क्यूरीज को रन कर सकेंगे, ताकि आप उसको फ्रंट एंड पर नेक्स्ट JS के अंदर GraphQL को इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। तो ये आपके पास GraphQL है, GraphQL मतलब ग्राफ इसकी इंटरफेस है, क्यूरी लैंग्वेज। और इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक पेजेस के नाम से कुछ डाटा सर्च भी किया हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास नो, अच्छा यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है। सो यहाँ पर इसको एक्सप्लोरर के अंदर नो स्कीमा अवेलेबल क्यों कह रहा है प्लगइन, तो ठीक है यहाँ पर हमारे पास इसका सारा स्कीमा आना चाहिए।
समटाइम ये वर्डप्रेस इसका इशू कर देता है, तो कोई परेशानी नहीं है। आप एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करें पेज को, पेज इज इक्वल टू ग्राफ क्यू एल। और आई थिंक दिस इज़ अ डिबग टूल दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस एंड इज़ नॉट रिकमेंडेड टू हैव। अच्छा चलिए इसको हम अनचेक कर देते हैं, कहते हैं कि ये इसकी वजह से हो सकता है वो स्लो हो रहा है स्कीमा लोड होने में, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही था। तो इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी हम कोडिंग की तरफ नहीं बढ़े और कोडिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है GraphQL की, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं GraphQL IDE पर आ जाता हूँ दोबारा से। अच्छा ये कह रहा है नो स्कीमा अवेलेबल, लेट्स सी कि ये क्यों कह रहा है। डब्ल्यू पी ग्राफ क्यू एल हम इसको सर्च कर लेते हैं। डब्ल्यू पी ग्राफ क्यू एल अच्छा तरुण कह रहे हैं कि जो वर्डप्रेस होस्टिंग एंड नेक्स्ट जीएस होस्टिंग सेम डोमेन पर कैसे होगी, तो इसका बहुत ही आसान हल है कि वर्डप्रेस को आप एक सब डोमेन पर इंस्टॉल करेंगे या एक फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आपकी डोमेन example.com, सो www.example.com/wordpress या /wp पर आप इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस को। और जो आपका जो मेन, क्योंकि एक्चुअली तो यूज़र ने फ्रंट एंड देखना होता है, सो इसके लिए आप फिर फ्रंट एंड सिर्फ शो करने के लिए उसको मेन सर्वर पर सेटअप कर सकते हैं, मतलब मेन public.html के अंदर इसको इंस्टॉल कीजिएगा। सो इस तरीके से आप सेम होस्टिंग पर ना सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं बल्कि आप नेक्स्ट जेएस को भी इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं सचिन ऐसा कुछ नहीं है, वर्डप्रेस बेशक स्लो है लेकिन जब हम नेक्स्ट जेएस की बिल्ड क्रिएट करते हैं ना, तो जितना डाटा हमें चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली उसको प्री रेंडर कर देता है नेक्स्ट जेएस। तो प्री रेंडर करने के बाद उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वर्डप्रेस पर, वो ऑटोमेटिकली उसको रेंडर कर देता है, और इसी वजह से हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं GraphQL को। मोहम्मद नुमान कह रहे सर नेक्स्ट जेएस और लारावेल की वीडियो भी आएगी। जी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस जो है कि ऑलरेडी एक प्री बिल्ट हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि लारावेल को अगर हम यूज़ करते हैं तो लारावेल के लिए हमें APIs क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उसको सेटअप करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। सो यहाँ पर कह रहा है गेटिंग नो स्कीमा अवेलेबल आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस प्लगइन, सो लेट्स सी कि क्या इशू है इसका। सो मेरे पास ये जो GraphQL IDE आ गया, आई थिंक वो स्लो था थोड़ा सा, तो उसने उसको रेंडर करने में थोड़ा टाइम लगाया। मैं ऐसे ही नेट पर सर्च कर रहा था क्योंकि इस वक्त मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ और साथ में पेजेस को भी ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये आपके पास तमाम का तमाम वर्डप्रेस से रिलेटेड जितना भी डाटा वो आ गया, और प्लस आप इसमें न्यू क्यूरीज को भी ऐड करना चाहें तो आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल तरुण, आप इसको नेक्स्ट जेएस को वर्डप्रेस के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट, कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट विद चेकआउट प्रोसेस सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपको ऑथेंटिकेशन भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से नेक्स्ट जेएस के अंदर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं ताकि आपका डाटा भी सिक्योर रहे और प्रॉपरली आप ई कॉमर्स वेबसाइट को रन भी कर सकें। तो ये हमारे पास सारा स्कीमा आ गया, डिफ़ॉल्ट स्कीमा ये। इसमें हमने आना है पोस्ट के सेक्शन में, सो यहाँ पर हमारे पास है ये देखिए पोस्ट, यहाँ पर ये पोस्ट है और ये पोस्ट है। अगर आप सिंगल पोस्ट लेना चाह रहे हैं तो पोस्ट पे जाएंगे, अगर मल्टीपल पोस्ट्स हैं तो आप इस पोस्ट पर आएंगे। फिर आपने यहाँ से आना है, आप चाहें तो एजेस पे आ सकते हैं चाहे तो नोड्स पर। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे खुद ये क्लियर नहीं है कि नोड्स और एजेस में क्या डिफरेंस है। नोड्स बेसिकली एंड पॉइंट्स को कहते हैं और एजेस भी आपके एंड पॉइंट्स ही होते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम डाटा मिलता है। थोड़ा सा ये स्लो है इस वजह से यहाँ पर अभी लोड होगा। तो यहाँ पर मैं नोड्स पे आता हूँ,
और नोड्स के अंदर से मुझे क्या क्या डाटा चाहिए, एक डेट चाहिए। अच्छा गौतम कह रहे हैं, हेलो सर मुझे लार्ज MySQL डाटा को CSV फाइल में जनरेट करना है यूजिंग PHP, पर मुझे नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई सजेशन है तो बताएं प्लीज़। देखिए सबसे पहले तो CSV फाइल में डेफिनेटली इशू आता है, डाटा बहुत ज़्यादा हो तो उसको CSV में इंपोर्ट करने के लिए आपके पास मेमोरी अच्छी होनी चाहिए जिस होस्टिंग के थ्रू आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो टाइम आउट है PHP का या क्यूरी का जो टाइम आउट है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो या तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है, या फिर आपका टाइम आउट हो जाता है, जो कनेक्शन है वो टाइम आउट हो जाता है, तो इसको आपने इम्प्रूव करना है तो तभी आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डेट चाहिए, उसके बाद कंटेंट चाहिए, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर उसकी आईडी पोस्ट की भी चाहिए। पोस्ट की आईडी वगैरह में ज़रूरत नहीं है, आईडी नहीं लेते। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसके स्लग चाहिए जिसकी बेस पर हम फर्दर उसको, तो टाइटल चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इसका थंबनेल का भी ऑप्शन है, फीचर्ड इमेज है, फीचर्ड इमेज, ये फीचर्ड इमेज है, इसका नोड है आगे, और फिर उसका हमें URL चाहिए इमेज का। सो यहाँ पर हमारे पास ये URL आ गई। सो अब ये मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, तो यहीं पर हम इसको प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगी। सो नोड URI है ये इंस्टा, लेकिन ये URI हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए इसकी इमेज की URL। तो इसमें बेसिकली मीडिया डिटेल, मीडिया आइटम URL, ये आई थिंक है, इसको दोबारा क्लिक करते हैं और देखते हैं। जी ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट इमेज की URL आ गई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी आपके पास आ रहा है। तो जितने इमेजेस होंगे इसके अंदर उसमें हमारे पास ये URL आएगी, तो जिनके इमेजेस नहीं होंगे उसमें ये नल शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है हमारी क्यूरी। अब इस क्यूरी को हमने नेक्स्ट JS के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो नेक्स्ट JS को यूज़ करने के लिए हमें GraphQL चाहिए और अपोलो क्लाइंट चाहिए। अपोलो क्लाइंट की मदद से हम जो है वो सेटअप करेंगे GraphQL को, और फिर उसी की मदद से हम क्यूरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अपोलो क्लाइंट, तो ये है हमारे पास अपोलो क्लाइंट, और इसके गेट स्टार्टेड पर हम आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास जो वीडियो है वो रुकी हुई है। तो आपके पास अगर वीडियो सही आ रही हो तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें कि वीडियो भी सही आ रही है। ओके सो यहाँ पर हम आ चुके हैं GraphQL में। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे npm install apollo client and GraphQL। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके जी थैंक यू वेरी मच सचिन और AQ शाह। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी किया मैंने, अब आता हूँ मैं टर्मिनल पर और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल, क्योंकि जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उस पर तो हम रन कर रहे हैं npm रन डेव को। तो यहाँ पर वापस इसका टर्मिनल ओपन होगा, और यहाँ पर इस टर्मिनल के अंदर ये npm इंस्टॉल अपोलो क्लाइंट, ये हमें अपोलो क्लाइंट चाहिए टू क्रिएट द क्लाइंट, ताकि हम डाटा फेच कर सकें उससे वर्डप्रेस से। गौतम मेरा अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ऑटोमेशन और IoT के साथ, तो मैं उसके बारे में फिर कुछ बात नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। मेरा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मेरी वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। इस दौरान मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी कर देता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में।
सो यहाँ पर हमारे पास ग्राफक्यूएल का वर्जन 15.5.0 और अपोलो क्लाइंट का वर्जन 3.3.13। तो क्लाइंट की मदद से हम क्रिएट करेंगे यूआरएल नेटवर्क को। तो यहाँ पर वापस आते हैं हम क्रोम में, और ये देखिए इंस्टॉलेशन के बाद अच्छा तरुण कह रहे हैं सर नेक्स्ट जीएस एंड वर्डप्रेस के साथ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट क्रैश को स्टार्ट कर रहे हैं सर। जी मैं इसके बाद इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करूँगा, देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें एक क्लाइंट क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए ये कोड है कि आप इंपोर्ट करेंगे अपोलो क्लाइंट को और इन मेमोरी कैशे। इन मेमोरी कैशे का मतलब है कि वो आपके जो सर्वर है उसकी मेमोरी में उस कैशे को रखेगा, और फिर वहाँ से सारा डाटा आपके पास रेंडर होगा। तो इस वजह से आपकी जो क्वेरी की स्पीड है वो भी फास्ट होगी। अच्छा यहाँ पर सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन लारावल ट्यूटोरियल, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ रिप्लाई सो मे क्वेश्चन आफ्टर क्रिएटिंग ऑथ विद हेल्प। चलिए आर मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको देखूँगा, तो फिर देखते हैं। अच्छा सर हम बारी ईआरपी लारावल लाइव वायर पे कंप्लीट रख सकते हैं? जी बिल्कुल, लारावल लाइव वायर के साथ आप कंप्लीट ईआरपी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर रूट पर, और यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ लिब का, से हमारे पास लाइब्रेरी होगी। सो इस लिब के फोल्डर में मैं क्रिएट करूँगा न्यू फाइल क्लाइंट डॉट जे एस, क्लाइंट डॉट जे एस। सो बेसिकली ये अपोलो क्लाइंट होगा हमारा ग्राफक्यूएल के लिए। सो इस क्लाइंट डॉट जे एस फाइल के अंदर हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो क्लाइंट इज इक्वल टू इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाइंट। उसके बाद ये यूआरएल हमें चेंज करनी है, इस यूआरएल में हम देंगे यूआरएल कौन सी वाली। होपफुली आपको समझ लग गई होगी कि एक तो हम यहाँ से डब्ल्यू पी डेव डॉट टेस्ट उठाएंगे ये वाली, और दूसरी जो है wp-dev.test और इसको http पे रखेंगे क्योंकि हमारा जो wp-dev.test है वो http पर है। और उसके बाद स्लैश के साथ हम GraphQL लिखेंगे, GraphQL। अब हम उसे सवाल पूछ सकते हैं, गौतम ये आपकी जो होस्टिंग है उस पर डिपेंड करता है, आप इस होस्टिंग से रابطہ करिए, वो आपको बताएंगे इस बारे में। और GraphQL मैंने क्यों लिखा है, तो इसके रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने जो सेटिंग के अंदर ऑप्शन दिया था वो GraphQL का ऑप्शन था, तो इसलिए हम यहाँ पर GraphQL को यूज स्लैश GraphQL यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन की दुनिया का सर व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कर दिया करें कभी कभी? जी मैं कभी कभी कर दिया करता हूँ ऑन, तो पिछले काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं जो है वो उसको ऑन नहीं कर सका। तो मैं एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए इसको ऑन ज़रूर किया करूँगा और आपके क्वेश्चंस के वहाँ पर भी रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो जिन जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ, 8 लोग अभी देख रहे हैं, अगर इन 8 लोगों में से किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पर, तो परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके को सर्च करके उस पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें, 8 लोग देख रहे हैं और 6 लाइक्स हैं। लाइक करने से ये होगा कि और लोगों को भी इसकी नोटिफिकेशन जाएगी और वो भी इसको देख सकेंगे। ओके जी सो कंकरेंट इसके 7 लोग देख रहे हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास GraphQL की क्यूरी है जिसको हमने रन करना है, ठीक है, माई क्यूरी है ये वाली। और इस क्यूरी को अब हमने कहाँ पर रन करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये इंस्टॉल क्लाइंट क्रिएट हो गया, इन मेमोरी कैशे भी क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो डाटा है ये डाटा चाहिए, तो इसको उसने इंडेक्स डॉट जे एस में रखा है, तो मैं इसको रखूँगा किसी और फाइल में रख लेते हैं। इंडेक्स डॉट जे एस नहीं, मैं इसको api.js में रखता हूँ। सो कॉपी किया इसको और लिब के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ api.js। सो इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर वो console.log में रिजल्ट कर रहा है। सो हमने इसको जो है वो यूज़ करना है फंक्शन में। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा क्लाइंट को। सो इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम
डॉट स्लैश क्लाइंट। तो हमने क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया, अब हमारे पास यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट क्लाइंट आ चुके हैं, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ही किया ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट असिंक फंक्शन, असिंक फंक्शन। इसको असिंक इसलिए रखेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर अवेट यूज़ करेंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं गेट पोस्ट्स। और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर ये क्यूरी रन करेंगे। सो इस क्यूरी को हम यहाँ से यहाँ तक रखेंगे क्योंकि अब हम इसको असिंक कर रहे हैं तो हमें देन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्स्ट एक डाटा का वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद इसमें मैं इसको ज़रा क्लोज कर लूँ। सो उसके बाद हम यहाँ पर अवेट लगा देंगे, अवेट क्लाइंट डॉट क्यूरी क्यूरी GQL। अब क्यूरी गेट रेट्स है तो हम यहाँ पर जो रन करेंगे क्यूरी वो है ये वाली क्यूरी। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इस जगह पर, ये हमारी क्यूरी है। तो ये टिल्डा साइन है, कॉमा नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी जगह पर हमने टिल्डा साइन को यूज़ करना है। ये बेसिकली यूज़ होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो ये मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की मिनी सीरीज़ जो ES6 की सीरीज़ है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं नोड्स को एडजस्ट कर लूँ। तो ये हमारे पास थैंक यू वेरी मच जिन जिन दोस्तों ने लाइक किया वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया उनका भी थैंक यू वेरी मच। ओके सो ये हमारे पास अब क्यूरी है। सो माई क्यूरी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया API से। अब क्लाइंट को हम सेव मैंने नहीं किया हुआ, इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा, और फिर API.js के अंदर ये हमारे पास सारी पोस्ट आ जाएंगी। गेट ऑल पोस्ट इसको नाम दे देते हैं, गेट पोस्ट की बजाय गेट ऑल पोस्ट। ओके हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी एक्सपोर्ट तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसको इम्पोर्ट करेंगे हम अपने मेन क्यूरी के अंदर, मतलब मेन जो हमारी फाइल है जो index.js है पेजेस के अंदर, उसके अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे। अच्छा गौतम कह रहे हैं सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में प्लेटफॉर्म स्विच करना चाह रहा हूँ तो कौन सा फ्यूचर बेटर रहेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर पाइथन इज़ द बेस्ट चॉइस, अदरवाइज वेब डिवेलपमेंट में और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट चॉइस। अब आप डिसाइड कर लें पहले कि आपने जाना किस तरफ है। तो ये हमारे पास गेट ऑल पोस्ट होगी बन गई। अब हम आएंगे पेजेस के अंदर और यहाँ पर हमारे पास जो index.js फाइल है इसके अंदर यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट गेट ऑल पोस्ट फ्रॉम /lib/API। सो गेट ऑल पोस्ट हमने, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट सिर्फ करता हूँ। ये मैं इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पर हम गेट सिंगल पोस्ट का भी फंक्शन बनाएंगे। सो इसको मैं मल्टीपल फंक्शंस होंगे तो इसको मैं एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन कर लेता हूँ सिंपल। ओके सो अब इसके अंदर index.js के अंदर हम यहाँ पर गेट ऑल पोस्ट को गेट करेंगे कुछ इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे।
वरना फिर हमें लिखना पड़ेगा गेट आल पोस्ट डॉट गेट आल पोस्ट। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गेट आल पोस्ट को, और यहाँ पर अब हमें टेस्ट करना है कॉन्स्ट पोस्ट्स इज इक्वल टू गेट आल पोस्ट्स, ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम पोस्ट्स को लॉग करेंगे। सेव किया इसको, सेव करने के बाद हमारी जो बिल्ड है वो कंपाइल होगी दोबारा से, तो इट्स कंपाइलिंग। वापस चलते हैं ब्राउज़र में, पहले इसको कंपाइल हो लेने दें। और ब्राउज़र के अंदर अब हम यहाँ पर मेन होम पेज को ओपन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ओपन करना होगा कंसोल भी, इंस्पेक्ट एलिमेंट, बल्कि आई थिंक ये जो है ये कंसोल इधर शो करेगा, तो इसको एक दफ़ा हम रीलोड कर लेते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सचिन। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये लाइव स्ट्रीम करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों का अगर कोई लाइव में कोई क्वेश्चन हो, जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे दोबारा पूछें ताकि मैं फिर उसको दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉमिस पेंडिंग है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि ये इसको एक दफ़ा फिर हम अवेट कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये भी एसिंक फंक्शन है गेट स्टैटिक प्रॉप्स। सो अब ये कंपाइल सक्सेसफुली, तो लेट्स सी, इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं हम पेज को। तो अभी ये जो डाटा है ये वही आ रहा है एपीआई वाला, ये अभी हम चेंज करेंगे इसको डाटा को। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कंसोल में क्या शो चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड, सो इट मींस हमारे पास जो डाटा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है यहाँ तक ये ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है API.js में। अच्छा डाटा है यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर सॉरी गेट ऑल, अच्छा रिटर्न नहीं कर रहा डाटा, सॉरी माय मिस्टेक, हम यहाँ पर रिटर्न डाटा भी करेंगे ना, तो तभी ये डाटा रिटर्न होगा इस फंक्शन से, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका रिटर्न होगा, क्योंकि रिटर्न तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो डाटा तो अनडिफाइंड आना ना, सॉरी फॉर दैट, सो रिटर्न डाटा। ओके, तो यहाँ पर कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब वापस लोकल होस्ट 3000 पर आते हैं, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, सो इट मींस हमारी जो ग्राफक्यूएल की क्यूरी है दैट इज सक्सेसफुली सेंडिंग डाटा टू हेयर टू इंडेक्स डॉट जेएस। अब हमने इसको फेच करना है इस डाटा को, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ क्लाइंट डॉट सॉरी API.js में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए हमारे पास है ना डाटा, उसके साथ है पोस्ट, सो डाटा डॉट पोस्ट डॉट नोड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये क्यूरी के अंदर माई क्यूरी के अंदर पोस्ट है, उसके बाद इसके अंदर नोड्स हैं। सो इस नोड्स, बल्कि हमें नोड्स और ये नोड्स यहाँ से, हाँ ठीक है, तो इसको सेव किया। सो ये डाटा डॉट पोस्ट डॉट नोड्स हमें रिटर्न होगा। अब इस पेज को एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो कंसोल गेट स्टैटिक प्रॉप्स में हम कंसोल करते हैं ना, ये यहाँ पर कंपाइल होके शो होता है इनसाइड योर टर्मिनल। तो आप अगर ब्राउज़र में देखते रहेंगे तो ब्राउज़र में वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको टर्मिनल पर देखिएगा। मेरे इंटरनेट की स्पीड भी अभी काफ़ी सारी स्लो हो गई, हालांकि उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे के बाद
इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुआ करेगी, लेकिन इट्स गोइंग डाउन। बहरहाल एनीवेज अच्छा कनेक्शन अभी 1080p पर अच्छी हो रही है रेंडरिंग। अच्छा, तरुण कह रहे हैं सर प्लीज़ गिव सजेशन फॉर बेस्ट यूआई फ्रेमवर्क फॉर नेक्स्ट जेएस। देखिए इस वक्त हमारे पास मटेरियल यूआई अवेलेबल है, और उसके बाद बूटस्ट्रैप है, टेलविंड सीएसएस है, और उसके बाद फाउंडेशन है। तो इस जो नेक्स्ट जेएस है वो रिकमेंड करता है टेलविंड सीएसएस को, तो मैं रिकमेंड करूंगा भी टेलविंड सीएसएस को ही, क्योंकि वो क्लास बेस्ड और बकायदा सीएसएस लेवल का डाटा है, तो इसलिए मैं उसको ही रिकमेंड करूंगा। ओके, तो यहाँ तक तो ये सब ठीक हो गया। ये देखिए हमारे पास सारा डाटा, देखिए सारी पोस्ट आ चुकी हैं, अब देख सकते हैं। अब हम इन पोस्ट को शो करना है ऑन द स्क्रीन। सो इट मीन्स अब सिंपली हमने करना क्या कि इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ये जो यहाँ तक है इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, और यहाँ से हम इसको पोस्ट्स को पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम पोस्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये पोस्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा पोस्ट्स डॉट मैप, पोस्ट्स डॉट मैप, सॉरी पोस्ट डॉट मैप, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इसकी चीज़ें हैं। एक टाइटल है, और इसके बाद कंटेंट है, फिर उसके बाद है हमारे पास, सॉरी ब्राउज़र में चेक करते हैं, फीचर्ड इमेज ये है। अब इसको हम फीचर्ड इमेज ही रहने देंगे, फीचर्ड इमेज कॉपी किया इसको, और यहाँ पर फीचर्ड इमेज आ गया, टाइटल, कंटेंट, डेट और स्लग। आईडी को फिलहाल रहने देते हैं। सो डेट, कंटेंट, स्लग, टाइटल और फीचर्ड इमेज को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आईडी को हम ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम की जगह पर स्लग आ जाएगा, और नेम की जगह पर टाइटल आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। और इसके बाद इस बी आर की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं HTML टैग्स को, तो बी आर की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग के अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पर हम कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद डेट वगैरह आप जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाहें, और इमेज टैग में हम आई बल्कि इसको हम टॉप पर डिस्प्ले करते हैं इमेज टैग को, लिंक से व्यू पर। सो यहाँ पर हम एक डिव लगा लेते हैं, और उसके अंदर img, बल्कि हम img यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे इमेज को, इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। सो इस इमेज को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, img src इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर फीचर्ड इमेज डॉट नोड, आई थिंक डॉट नोड है, नोड्स नहीं है, डॉट नोड है, क्योंकि सिंगल आएगा इमेज, तो नोड डॉट एंड नोड डॉट मीडिया आइटम URL, तो मीडिया आइटम URL, और इसको हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अगर आप इसका चेंज करना चाहें हाइट और विड्थ, तो यहाँ पर हाइट और विड्थ आप दे सकते हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। टाइटल आ गया, कंटेंट आ गया, और यहाँ पर एक और पी लगा लेते हैं, और इसमें हम डेट को रेंडर कर लेते हैं। सो नॉट डाटा, डेट। तो ये सारी चीज़ें होगी, स्लग यहाँ पर आ गया, टाइटल आ गया, कंटेंट आ गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, लेट्स सी क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोकल होस्ट पर, इसको पेज को रीलोड करते हैं, और होपफुली ये जो है
कंपाइलिंग है, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, उसको मैंने रिफ्रेश भी किया। तो अब ये रीलोड हो रहा है। अब ये जो डाटा फेच करेगा, ये फेच करेगा हमारे WP dev dot test से। तो यहाँ पर कुछ एरर आया, लेट्स सी क्या एरर है। ID इज नॉट डिफाइंड, ID इज नॉट डिफाइंड। हमने ID को यूज़ कहाँ पे किया, ID कहाँ पर हमने, ये ठीक हो गया। हमें यहाँ पर ID भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लूप के जरिए डाटा लेते हैं तो की में हमें ID देनी पड़ती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको ID भी दे दी। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अभी दोबारा एक एरर आ रहा है। ये एरर आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए, अब ये एरर आना नहीं चाहिए डाटा, क्योंकि आप देख सकते हैं डाटा हमारे पास रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या इसको एरर आया, कह रहा है KGP कंटेंट ID इज़ नॉट, अच्छा वही एरर है, ID इज़ नॉट डिफाइंड, वो तो हमने फिक्स कर दिया था। ID इज़ नॉट डिफाइंड, हमने API.js में ID को रखा हुआ है ना, रखा ही नहीं है, सॉरी ID को हमने उसके अंदर रखा ही नहीं है, तो कहाँ से लेगा ID। थोड़ा सा मैं इसको स्टाइलिंग दे लूं, ओके सेव कर लिया। अब ये ठीक हो जाएगा ID वाला इशू। अच्छा कह रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नोड, अच्छा अब ये फीचर्ड इमेज का कह रहा है कि ये इसका नोड नहीं इसको मिल रहा। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से ये डाटा शो हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने के बाद फीचर्ड इमेज नल आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फीचर्ड इमेज नल आ रहा है, ये क्या चक्कर है। इसमें हमारे पास नोड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये इशू आ रहा है फीचर्ड इमेज का, सॉरी यहाँ पर नहीं है इंडेक्स में। तो फीचर्ड इमेज डॉट, बल्कि हम इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे चेक लगाते हैं सबसे पहले कि अगर, तो यहाँ पर इफ होस्ट डॉट, बल्कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट तो आएगी नहीं, तो हम क्या करें, हम ये करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं पोस्ट, सॉरी कट करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पर ले लेते हैं पोस्ट को, और यहाँ पर अब हमें नहीं एक्चुअली हम इधर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हमें ये जो URL है इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो फीचर्ड इमेज डॉट नोड, फीचर्ड इमेज डॉट नोड, फीचर्ड इमेज डॉट नोड में हमारे पास फीचर्ड इमेज आ रहा है और उसके अंदर नोड है।
डॉट नोड नहीं, फीचर्ड इमेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो कंसोल डॉट लॉग कहाँ पर हो रहा है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। सो फीचर्ड इमेज डॉट नोड डॉट मीडिया आइटम यूआरएल यही है ना, नोड डॉट मीडिया आइटम यूआरएल। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि ये कहाँ पर इशू कर रहा है। सो इसको सेव किया, ये इसको देखेंगे कि क्यों ये इशू कर रहा है अभी। सो कंपाइलिंग, अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ये नोड की प्रॉपर्टी को लोड नहीं कर पा रहा था। फरूख सज्जाद कह रहे हैं जी मेक अ वीडियो ऑन रिएक्ट विद शॉपिफाई। शॉपिफाई पे अगर मैं देखूंगा, क्योंकि यू नो कि शॉपिफाई एक पेड जो है वो प्लेटफॉर्म है, ऑल दो दे डेवलपमेंट वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी एपीआई पर मैंने अभी इतना काम नहीं किया हुआ, इसलिए फ़िलहाल मैं उस पर शो नहीं काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये देखिए हमारे पास सारी पोस्ट आ चुकी हैं, जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट क्रिएट होते हैं 9 या 10 होती हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर सारी पोस्ट आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी यहाँ पर कि जो हमारे पास ये देखिए HTML एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ रेंडर हो रहे हैं। सो इसके लिए जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है एक डेंजरस के नाम से, डेंजरसली शोइंग डाटा। सो मैं यहाँ पर div एक लगा लूँगा, क्योंकि हमें इसके अंदर काफ़ी सारे HTML टैग को रेंडर करना है, तो यहाँ पर डेंजरसली सेट इनर HTML इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम HTML मेक श्योर कीजिए डबल अंडरस्कोर हो, HTML कॉलन कॉन्टेंट करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि हमारे पास कॉन्टेंट आ जाएगा। सो इसको सेव किया, ब्राउज़र में आए दोबारा से, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा प्रॉपरली जो है वो बग़ैर HTML कंटेंट के डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर फॉर्मेट में। ये हेडर्स हैं, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर HTML ब्लॉक कोड शो हो रहा है, डेफिनेशन UL LI सारी की सारी प्रॉपरली ये देखिए स्टाइलिंग के साथ डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक इमेजेस हैं जो कि शो नहीं हो रहे, हालांकि शो होने चाहिए इमेजेस भी, यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा, उसको पाथ नहीं कंप्लीट मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली हमने वर्डप्रेस से GraphQL को इस्तेमाल करते हुए डाटा फेच कर लिया। अब बात रह जाती है इमेजेस की, तो इमेजेस को हम देखते हैं कि ये इमेजेस को क्यों शो नहीं कर रहा। ये जो फीचर्ड इमेज है इसको कहीं पर हम कंसोल लॉग यहाँ पर करने के लिए हमें सबसे पहले इसको LI को, अच्छा सचिन कह रहे हैं सर आप URI को कर GraphQL में लिंक फ्रंट में URL लिंक के साथ प्लस लिख के GraphQL का URI ऐड करके देखे। सॉरी सचिन, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पोस्ट डॉट मैप के अंदर इस जगह पर यहाँ पर अब इसको ऐड करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी जगह पर मैं करली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे मल्टीपल लाइन्स लिखनी है, तो इसलिए यहाँ पर करली ब्रैकेट्स और ये होगा रिटर्न। अच्छा, ये LI है और यहाँ पर इसका एंड मैंने LI लगाया ही नहीं है। और इसको हम रैप करेंगे इस तरीके से, तो ये अब ठीक है हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ फीचर्ड इमेज को, और लेट्स सी कि ये क्या शो करता है। सो कंसोल लॉग फीचर्ड इमेज, तो कंपाइल कर रहा है दोबारा से, कंपाइल हो गया। अब मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड टाइप नेम आ रहा है यहाँ पर, और ये क्यों इस तरीके से आ रहा है नोड, अच्छा, नोड डॉट मीडिया
आइटम यूआरएल आ रहा है, ठीक हो गया। ठीक, तो यहाँ पर फीचर इमेज डॉट अगर नोड कर दें तो फिर क्या होगा, मीडिया आइटम यूआरएल, लेट्स सी इस पर ये एरर देगा या क्या देगा, डॉट नोड। हाँ, ये अब एरर दे रहा है कि नोड ऑफ नल, सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नोड नल। तो इट मींस अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सेस करूँ एरे की सूरत में, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, एरे की सूरत में एक्सेस करना होता है और या फिर ऑब्जेक्ट की सूरत में। सो यहाँ पर कंपाइल्स कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं मीडिया आइटम यूआरएल करूँ सेव किया, सो अगेन कंपाइल कर रहा है इसको, सो लेट्स सी। मीडिया आइटम यूआरएल आ रहा है और अच्छा ये नल ऐसा कुछ डाटा इस एक्चुअली नल आ रहा है, मतलब कुछ जो पोस्ट हैं उनके साथ इमेजेस नहीं है, जिस वजह से वो इसमें एरर दे रहा है कि ये जो हमारे पास है, बाकी डाटा तो हाँ ठीक है, कंसोल लॉग नोड वही एरर है। इफ फीचर्ड इमेज इज नॉट इक्वल टू नल, कंसोल डॉट लॉग फीचर्ड इमेज। सो लेट्स सी कि अब क्या हमें एरर आता है। तो दोबारा से कंपाइल कर रहा है, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ना यहाँ पर इसको नल लगा दिया, चेक करी फीचर्ड इमेज इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर वो कंसोल में शो करे। सो लेट्स सी, हाँ अब ये देखिए इसके साथ आ रहा है नोड। हाँ ठीक है, तो ये एक्चुअली एरर इसी वजह से था, नोड डॉट मीडिया आइटम यूआरएल, मीडिया आइटम यूआरएल। मीडिया आइटम यूआरएल, राइट। सो अब ये ठीक है, अब हम इस इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके साथ इमेज आ रहा होगा वो उसी के साथ डिस्प्ले होगा, जिसके साथ इमेज नहीं होगा उसके साथ हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट इमेज दे सकते हैं। तो इसका एक तरीका होता है इसमें रिएक्ट में, इसको पहले तो यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पर अब रिटर्न के अंदर हम इफ़ नहीं लगा सकते, राइट। सो इसके लिए हमें यहाँ पर आई थिंक लगा सकते हैं इस तरीके से, फीचर्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर इमेज एंड एस आर सी इज इक्वल टू एस आर सी इक्वल्स टू फीचर्ड इमेज डॉट नोड डॉट मीडिया आइटम यू आर एल। मीडिया आइटम यू आर एल ये ना, मीडिया आइटम यू आर एल।
ठीक है, यू कैपिटल है, यू कैपिटल है। तो यहाँ पर इसके साथ ही इमेज को डिस्प्ले करे, या फिर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज दे लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक में इमेजेस के अंदर हमने प्रोफाइल इमेज लगाई थी, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। IMAGESRC इज इक्वल टू स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोफाइल डॉट JPG। इसको हमें डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा सकते हैं हम स्ट्रिंग की सूरत में, और इसको क्लोज कर देते हैं। लेट्स सी, इसको इस तरीके से, अच्छा ये दो दफ़ा क्लोज हो गया, इसको दो दफ़ा क्लोज नहीं करना। ये एक्चुअली अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि SRC, अच्छा सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर हमें ये क्लोज करना था। इसमें ऑल टैग अगर आप लगाना चाहें तो ऑल टैग लगा लें। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर मस्ट यूज़ विड्थ एंड हाइट। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो आपने यूज़ किए हैं इनके साथ विड्थ इज़ इक्वल टू 300, हाइट इज़ इक्वल टू 300। जी हेलो नितिन, विड्थ इज़ इक्वल टू 300। अच्छा स्ट्रीम अभी तक आपको सही मिल रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाइट इज इक्वल टू 300। सो अब इसको रीलोड करते हैं। अच्छा यहाँ पर अभी भी कोई एरर आ रहा है, लेट्स सी कि एरर क्या आ रहा है। हालांकि यहाँ पर तो क्या एरर कह रहा है, इमेजेस विद SRC मस्ट, अच्छा ये तो वही पुराने वाला एरर है एक्चुअली, अभी तक वो बिल्ड नहीं हुआ। ये कह रहा है कि जी इनवैलिड सोर्स प्रॉप Insta6 ऑन नेक्स्ट स्लैश इमेज होस्ट नेम WP इज नॉट कन्फिगर्ड अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट JS। अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने ये जो इमेज है इसको आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी और सोर्स से, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपने इसको कन्फिगर करना है कि आप इमेजेस को कहाँ से लेना चाह रहे हैं। अच्छा नितिन कह रहे हैं सर मेरा फ्लटर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट भी उठाए हैं सर, पर प्रैक्टिस कैसे फिक्स करूँ, प्राइस कैसे फिक्स करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग के चक्कर में मत पड़िए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस का आइडिया हो जाना चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इसके लिए आपको फिर प्राइस कम रखना पड़ेगी, तभी आप इसको प्रॉपरली जो है वो शो कर सकें, मतलब प्रॉपरली आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता जाएगा। अच्छा ये इसका एरर जो है ना, ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट लोडर हमने सेटअप नहीं किया, तो इसको चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर एरर नेक्स्ट इमेज कैन ऑन नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम WPDev.test इज़ नॉट कन्फिगर्ड, सो होस्ट नेम इज़ नॉट कन्फिगर्ड। लेट्स सी, हम आते हैं इसके सॉरी नेक्स्ट JS की डॉक्यूमेंटेशन में।
देखिए एवरेज जो प्राइस है ना किसी भी मोबाइल ऐप की, वो $1,000 से स्टार्ट होती है। 500 वैसे इंडियन और पाकिस्तानी जो 500 तक भी कर देते हैं, लेकिन मिनिमम जो $1,000 एक प्रोजेक्ट की जो मोबाइल ऐप है उसकी होती है। उसके बाद आप अपनी मर्जी है कितना उस पर अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और इसमें हम इसने कहा है हमें कि आपने जो इनवैलिड सोर्स प्रॉप है इन योर नेक्स्ट डॉट कन्फिग, सो नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जे एस, ये है हमारे पास नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जे एस। सो इसको रूट पे क्रिएट करना होगा सबसे पहले, तो इसको क्रिएट करते हैं और इसको सेटअप करते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ आपने डिज़ाइन किए हैं तो आप उसको $400 तक चार्ज कर सकते हैं। न्यू फाइल नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जे एस, और उसके बाद आपने इसके अंदर ये ऐड करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट इसके वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास है बेस पाथ है डॉक्स, लिंक्स जी ये है, और उसके बाद इमेजेस हैं, एंड इमेज ये आ गया। इसके बाद हमारे पास है कस्टम हेडर है, कस्टम पेज एक्सटेंशन है, सीडीएन सपोर्ट विद एसटीएसएस प्रीफिक्स, हाँ जी ये है हमारे पास है, ये है एसेट प्रीफिक्स। अगर तो वो इज प्रॉड है तो यहाँ पर वो इसको ले ले, एंड नेक्स्ट वी ऑटोमेटिकली यूज योर एसेट प्रीफिक्स फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट सीएसएस फाइल, इट लोड्स ओके। और उसके बाद इसमें कहाँ पर होगा, आई थिंक यही इसका एसेट प्रीफिक्स है, और यहाँ पर हम एस एस प्रीफिक्स देंगे, और इसको हम एच टी टी पी डब्ल्यू पी डब डॉट टेस्ट दे देते हैं। सेव किया, और इसके बाद हमें सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट द सर्वर टू सी द चेंजेस इन फैक्ट, सो इसको स्टॉप किया, एन पी एम रन डेव दोबारा कर दिया। मीन प्लस लॉजिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अजहर सलाल, अजवर सलाल सॉरी। अब हमने उसको सेटअप कर दिया, अब देखते हैं कि क्या एरर आता है। देखिए नितिन, जो प्राइसिंग है ना, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। कभी कभी मुझे खुद ऐसा काम करना पड़ता है, $5 के लिए मेरी सारी रात लग जाती है कि वो फिक्स ही नहीं होता, प्रॉब्लम होती है उसमें, और कभी कभी $50 का काम 5 सेकंड में हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने मतलब $80 में सिर्फ ये करके दिया है कि जी प्लगइन्स को अपडेट करके दिया है वर्डप्रेस के, उनको पहले सेव किया है और उसके बाद उसको बैकअप बनाया प्लगइन्स का, फिर सबको अपडेट किया, फिर जिस जिसमें इश्यू आ रहा है उसको वापस रखा है। बस ये काम मैंने किया है और इसके मैंने $80 चार्ज किए हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चार्ज करते हो। कभी भी दूसरों से पूछ के आप क्लाइंट को प्राइसिंग मत करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके जहन में और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइसेस से रिलेटेड है या इस तरह की चीज़ें, ये ना मुझसे पूछा करें क्योंकि मैं इनका आंसर नहीं कर सकता। प्राइसिंग हर बंदे पे डिपेंड करती है, वो कैसे प्राइसिंग करता है, कैसे उनको चार्ज करता है, ये आप पर डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड नहीं है या किसी और पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी से पूछेंगे भाई मैं कितने इसके चार्ज करूँ। तो यहाँ पर
आकाश कह रहे हैं जी मेरी कोडिंग वीक है थोड़ी, मैं कैसे सीख सकता हूँ। देखिए कोडिंग सीखने के लिए दो चीज़ है, वो प्रैक्टिस। अब जैसे देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हालांकि मैंने इस पर काम पहले किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए नेक्स्ट जीएस तो खैर न्यू है, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इस पर कॉन्फिडेंस के साथ, ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। सो ये ट्यूटोरियल बनाना भी बेसिकली एक लर्निंग है और लॉजिक इम्प्रूव करने का तरीका है। तो आप भी इसी मतलब अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, या आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे और आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आप वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने शुरू कर दें। सो नितिन देखा, मैं आपने भी वही किया ना कि आपने कंप्लीट बग फिक्सेस किए, कितने में? 1200 इंडियन रुपीज़ में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 50,000 चार्ज करना चाहिए, 45-40,000 फॉर 4 स्क्रीन्स। ₹1200 कंप्लीट डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, पर आवर जो रेट है ना वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, वो $50 से लेकर $100+ तक है। तो मिनिमम $50 है पर आवर फॉर डेवलपमेंट। अच्छा ये यहाँ पर अब वाइट स्क्रीन आ रही है, इट मीन्स ये जो हमारा ये एसेट प्रीफिक्स है ना, ये इशू क्रिएट कर रहा है। मुझे इसकी कन्फिग्रेशन का सही से आइडिया नहीं है कि next.js में कैसे कन्फिग्रेशन इसकी करनी है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम बाद में देखेंगे, तो लेकिन यहाँ पर बग़ैर इमेज के मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट जेएस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, इसके जो की वैल्यूज़ हैं उनके बारे में नहीं पता, तो मैं पहले इसको देख लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो फ़िलहाल मैं इंडेक्स डॉट जेएस से ये जो इमेज वाला है ना, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, फीचर्ड इमेज वाला, क्योंकि उसको वो डिस्प्ले नहीं कर रहा नेक्स्ट जेएस। अच्छा यहाँ पर फीचर्ड इमेज को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म हो गया ये भी। अब ये हमारे पास, इसको एक दफ़ा फिर हम बल्कि कंपाइल कर नहीं करते, इसको एक दफ़ा फिर स्टॉप करके हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, मैं लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए जब आप एक ने आपने एक काम बार बार करना है, तो डेफिनेटली उसको लूप के थ्रू करेंगे, और जब आपने एक काम का डिसीजन लेना है कि किस सूरत में कौन सा काम परफॉर्म हो, तो देन आप जो है वो कंडीशन यूज़ करेंगे। जी वो सचिन ठीक आ रहा है, वो इमेज कंसोल में भी ठीक डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है उसमें रेंडर करते हुए, क्योंकि रेंडर करते हुए वो कह रहा है कि आप एक्सटर्नल यूआरएल से सेटिंग नहीं ले सकते, उसके लिए आपको उसकी कुछ सेटिंग करनी होगी, तो उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जे एस में आएगा, सो उसमें इमेज वाला जो इशू है वो सॉल्व होगा, तो इसलिए मैंने उसको भी रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से, मतलब नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जे एस की क्या कन्फिग्रेशन है, इसको कैसे कन्फिगर किया जाता है, और उसके बाद उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये जो इमेज यूआरएल है ये, इसके लिए हमें कोई ख़ास कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल था कि ये सिंपल ही होगा, उसके साथ ही हम इसको कन्फिगर कर सकते हैं इमेज वाले इशू को, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास ये जो सॉरी कन्फिग नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जी ऐसा, ये इसने इशू क्रिएट किया। खैर एनीवेज हमारा जो ब्लॉग वाला सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरीके से अब हमने सिंगल पोस्ट वाला भी क्रिएट करना है। सो सिंगल पोस्ट वाला क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी इसके, यहाँ पर यूजर्स के सॉरी यहाँ पर यूज़र नहीं बल्कि मैं पोस्ट्स के अंदर यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल स्लग के नाम से। सो स्लग डॉट जे एस, अब हम इस स्लग डॉट जे एस को
जी नितिन, मैंने बोला था जंगो चैनल पर, लेकिन चूंकि मैंने उस पर इतना काम किया ही नहीं है, तो जिस चीज़ पर आपने काम ना किया हो, ना ही मुझे उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला कि मुझे उस पर काम करना पड़े। जंगो का मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि जंगो पे मुझे प्रोजेक्ट मिला था और उस पर मैंने काम भी किया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस पर क्रैश ट्यूटोरियल सीरीज़ भी बना दूँ। तो ये हमारे पास है, इसमें से हम यूज़र नेम वाला सारा डाटा उठा लेते हैं, ये वाला सारा, और इसको स्लग वाले में पेस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी हमें, और ये सारा ठीक है। इसको यहाँ से हम पोस्ट कह देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आएगी सिंगल पोस्ट, और ये सारी पोस्ट आएंगी कहाँ से, ग्राफक्यूएल से। सो ये सारा डाटा ये हमने रिटर्न करना है, तो ये वाली चीज़ हम ख़त्म करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे हम ये वाला इंडेक्स से, नो सॉरी, बल्कि हम यहाँ से लिब के अंदर न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे api.js के अंदर, इसको कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर गेट पोस्ट करेंगे सिंपल, और यहाँ पर हम इसको स्लग पास करेंगे, और फिर यहाँ पर हम इसको क्यूरी कैसे करना है स्लग को वो देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं एपीआई को, और इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट गेट पोस्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश पोस्ट में आए, फिर पेजेस से भी बाहर आए, फिर लिब में गए, आई थिंक सबसे पहले, सॉरी, यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, और लिब में आए, और यहाँ से हम एपीआई को कॉल किया तो हमारे पास गेट पोस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों चाहिए हमें बेसिकली, गेट ऑल पोस्ट क्योंकि हमें स्लग चाहिए होगा, सो गेट ऑल पोस्ट कॉमा गेट पोस्ट। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट ऑल पोस्ट को गेट स्टैटिक पाथ्स के अंदर, सो कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर गेट ऑल पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डॉट पोस्ट डॉट मैप पोस्ट डॉट नोड्स पोस्ट डॉट नोड्स, हम यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद पोस्ट डॉट नोड्स, क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस में भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंगल पोस्ट, और फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लग कॉलन पोस्ट डॉट स्लग, ओके। सो ये हमारे पास आ गए, और उसके बाद हम पाथ्स को रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा HTTP, बल्कि हम हमने फेच को तो यूज़ ही नहीं करना। सो इसको ख़त्म करेंगे, और पोस्ट को गेट करेंगे, सो कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू, बल्कि हम यहाँ पर इसको पोस्ट इज इक्वल टू गेट पोस्ट, और यहाँ पर हम प्रणाम स्टार्ट स्लग पास करेंगे इसको। सो ये जो स्लग है ये पास हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पोस्ट पोस्ट, और ये पोस्ट पास होगी यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे
उसका नेम, टाइटल, कंटेंट, और क्या था उसका, स्लग की हमें ज़रूरत नहीं है, डेट, फीचर्ड इमेज अभी फ़िलहाल हम नहीं करते, और यहाँ पर हम पोस्ट लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर फिर टाइटल आ जाएगा, एसईओ में टाइटल आ जाएगा, यहाँ पर भी टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर अब हम कंटेंट की टैग में div लगा कर हम उसके अंदर कंटेंट को डिस्प्ले कर लेंगे। सो div एंड डेंजरस, डेंजरसली सेट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू अंडर स्कोर अंडर स्कोर एच टी एम एल कॉलन कॉन्टेंट, और नीचे हम यहाँ पर पी टैग में डेट को एक्ो कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है सिंगल पोस्ट का, होपफुली सिंगल पोस्ट जो है वो अब हम गेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमारी साइट भी कंपाइल होगी, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं। और ये इस लाइव स्ट्रीम को कितनी देर हो चुकी है, आई थिंक 1 घंटा 27 मिनट हो गए हैं। नितिन, ये नेक्स्ट जेएस है, और नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन विद प्री रेंडरिंग फीचर, और ये एसईओ पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सो अब मैं हेलो वर्ल्ड पे क्लिक कर, ओ सॉरी, ये यूआरएल गलत है इंडेक्स पर, तो ये गलत यूआरएल है, ये पोस्ट्स के अंदर है। सो यहाँ पर स्लैश पोस्ट, अब ये ठीक है। अब दोबारा इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, ये कंपाइल हो गया। ओके, अब मैं हेलो वर्ल्ड को ओपन करता हूँ, तो ये पोस्ट का लिंक है, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर एरर आता है तो हम देखेंगे क्या एरर है और उसको कैसे फिर फिक्स करना है। ओके, सो हेलो वर्ल्ड, हाँ ये देखिए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नोड्स, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमने क्यूरी बनाई है ना क्लाइंट के अंदर, सॉरी नॉट क्लाइंट, एपीआई के अंदर, ये डिफरेंट होगी। सो गेट पोस्ट में हमने ऑल पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंगल पोस्ट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायनामिक करने के लिए आएंगे पोस्ट के अंदर, पोस्ट की बजाय, सॉरी, मुझे वापस ग्राफ क्यू एल आई डी में आना है। अब मुझे सिंगल पोस्ट चाहिए, तो सिंगल पोस्ट स्लग की बेस पर हमने सर्च करनी है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्यूरी करते हैं यहाँ पर। आकाश, ये एपीआई डेवलपमेंट नहीं है बल्कि नेक्स्ट जेएस है। सो नेक्स्ट जेएस हमारे पास एक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, उसको मैं सिखा रहा हूँ। उसके अंदर आपको किस तरीके से आप ग्राफ क्यू एल या फैच एपीआई के थ्रू डाटा को फैच कर सकते हैं। हाँ, इसमें एपीआई बनाना नहीं सिखा रहा मैं, लेकिन एपीआई को एक्सेस करना सिखा रहा हूँ दो तरीक़ों से। प्रीवियस 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फैच एपीआई को यूज़ किया था डाटा फैचिंग के साथ, और अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो
GraphQL को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम आएंगे पोस्ट की बजाय पोस्ट में, सिंगल पोस्ट में, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं आएंगे, हम पोस्ट में ही रहेंगे, बल्कि पोस्ट में ही हम क्यूरी लगाएंगे। सो पोस्ट, और यहाँ पर वेयर स्लग, सो वेयर स्लग PQRS, इसमें स्लग नहीं आ रहा, यहाँ पर स्लग आना चाहिए। वेयर ऑथर, ऑथर नेम, आई थिंक नेम, ऑर्डर बाय पेरेंट, पासवर्ड, स्टेटस, टैग, स्लग इन टैग, स्लग इन टैग, टैग इन, आई थिंक टाइटल है, नहीं टाइटल नहीं होगा, यहाँ पर ऑथर होना चाहिए था, यहाँ पर स्लग का आई थिंक उसका नेम होता है और एक स्लग होता है, आई थिंक नेम होगा, नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, आकाश आप पहले पिछली वीडियोस देख लें तो उसके बाद आपको समय लग जाएगी। सो ये है वे नेम हेलो वर्ल्ड, तो नेम बेसिकली आई थिंक स्लग के लिए यूज होता है। जी ये देखिए, अब हमारे पास ये डाटा पोस्ट से आ रहा है, नोड्स और डेट, और उसके साथ उसका कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो बाकी हमें इसमें मीडिया यूआरएल नहीं चाहिए, खैर एनीवेज इसको रहने देते हैं। तो सिंपली हमें ये चीज ऐड करनी है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पर गेट पोस्ट में। तो ये जो है नेम, इसमें आ जाएगा स्लग, सॉरी यहाँ पर हमें डॉलर साइन स्लग इस तरीके से आई थिंक ऐड करना होगा स्लग, या फिर लेट्स सी, सेव करते हैं। इसमें भी हमारे पास डाटा डॉट पोस्ट डॉट नोड ही आ रहा है ना, पोस्ट आर नोड्स। तो अब इसको देखते हैं, हाँ वो कह रहा है इस पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर चूँकि हम ऑलरेडी सॉरी इसमें गेट पोस्ट, हाँ डॉलर साइन तो नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बैक टिक में हैं। यहाँ पर इसको अब ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि बैक टिक आप यूज नहीं कर सकते अनएक्सपेक्टेड टोकन। सो लेट्स सी, सो हेलो वर्ल्ड को दोबारा हम रेंडर कर रहे हैं, सो ये इसमें हमारे पास लग आ जाएगा, एंड लेट्स सी क्या कह रहा है, नोड्स पोस्ट डॉट नोड्स, यहाँ पर हम इसको रिटर्न करें पोस्ट डॉट नोड्स, तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास लग के अंदर गेट ऑल पोस्ट और यहाँ पर पोस्ट डॉट मैप आएगा, इसको हम कंसोल लॉक करके चेक कर लेते हैं इसमें क्या हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो पोस्ट डॉट मैप आएगा, तो यहाँ पर नोड्स ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, अच्छा ये है एक्चुअली पोस्ट, इसको हमें पोस्ट डॉट नोड्स
डॉट, इसमें भी हमारे पास पोस्ट्स ही आएगा, सो पोस्ट्स डॉट नोड्स डॉट क्या था हमारे पास इंडेक्स में, जब हम इसको सॉरी एपीआई में हमारे पास ये डाटा डॉट पोस्ट डॉट नोड्स, तो यहाँ पर भी यही रिटर्न हो रहा है, और इंडेक्स डॉट जे एस में हम इसको पोस्ट के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिस्टेक जो कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैं सिंपल पोस्ट्स लिखूँगा और यहाँ पर फिर पोस्ट डॉट नो पोस्ट को मैं इंडेक्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ होम को, और यहाँ पर फिर पोस्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पोस्ट डॉट नोड्स नहीं करना, बल्कि सिंपली पोस्ट को रिटर्न करना, क्योंकि वो नोड्स को रिटर्न कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पोस्ट को, और यहाँ पर पोस्ट इनटू ज़ीरो करेंगे, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स एक ही डाटा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया टाइटल कंटेंट और डेट, इसको सेव किया और ये दोबारा कंपाइल करेगा। तो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप ऑफ अनडिफाइंड, मैप कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, लगा रहा पोस्ट, अच्छा पाथ्स के अंदर है, गेट ऑल पोस्ट में मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, ये इशू कहाँ पर आ रहा है गेट स्टैटिक पाथ्स में, तो गेट स्टैटिक पाथ एक तो इंडेक्स में है और एक हमने स्लग में क्रिएट किया गेट स्टैटिक पाथ्स, ये कह रहा है पोस्ट गेट ऑल पोस्ट स्लग डॉट जी एस में, गेट स्टैटिक पाथ गेट ऑल पोस्ट, ओह सॉरी यहाँ पर भी मेरी मिस्टेक है, तो ये पोस्ट ऐसे लिखना था, ठीक है अब ठीक हो गया। क्योंकि हमें वो सिर्फ स्लग उसका गेट करना है यहाँ पर, और फिर उसके अंदर गेट पोस्ट पैराम्स डॉट थी, फिर उसके बाद प्रॉप्स को सेंड करना है पोस्ट को, और यहाँ पर फिर दोबारा पोस्ट इनटू ज़ीरो को हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक ही पोस्ट उसने रिटर्न करनी है। अच्छा इसका गेट स्टैटिक पाथ देखते हैं, अवेट गेट ऑल पोस्ट, ठीक है क्योंकि इसको सिंक फंक्शन है, तो इसके अंदर हम वेट कर सकते हैं गेट ऑल पोस्ट को। तो इसके बाद इसको कंपाइल करना है, अब क्या कह रहा है ये,
posts dot map is not a function. हाँ ठीक है, इसमें आना चाहिए था इसको, तमाम पोस्ट को। इश्यू तो कोई नहीं है इसमें। गेट स्टैटिक पाथ, गेट आल पोस्ट, हाँ मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। और पोस्ट रिटर्न फ्रॉम कैन नॉट बी सीरियलाइज जेसन, प्लीज ओनली रन जेसन सीरियलाइज। ओके ठीक है, ये तो चलो मुझे इसकी तो समझ आती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर ये पोस्ट रिटर्न हो रही है। तो गेट पोस्ट प्रैम्स डॉट स्लग इसको पास कर रहा हूँ। गेट पोस्ट जो है वो हम ये फंक्शन है जो कि हमने API से एक्सपोर्ट किया है सिंक के साथ। एंड इसमें हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में डाटा क्या रिटर्न हो रहा है इसको चेक कर लेते हैं। इसको रीलोड करते हैं। ये एक्चुअली सिंगल पोस्ट में अब थोड़ा सा इशू आ रहा है कि सिंगल पोस्ट जो डिस्प्ले करनी है उसमें हमें एक रिकॉर्ड भी चाहिए और इस रिकॉर्ड को हमने फेच करना है जो कि स्लग डॉट जे एस में आएगा। इस स्लग डॉट जे एस में तो ये सेम है, वही टेक्निक है। इसमें पोस्ट डॉट मैप को भी यूज़ कर सकते थे लेकिन चूंकि हमें सिर्फ यहाँ पर पता है कि स्लग के अंदर एक ही पोस्ट आनी है जो जीरोथ इंडेक्स पे होनी है तो इसलिए यहाँ पर मैंने पोस्ट इंटू ज़ीरो लिखा। तो लेट्स सी कि क्या अब एरर आता है। पोस्ट रिटर्न फ्रॉम गेट स्टैटिक प्रॉप्स, एरर सीरियलाइजिंग पोस्ट इन गेट स्टैटिक प्रॉप्स। गेट स्टैटिक प्रॉप्स, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो हम प्रैम्स डॉट स्लग इसको पास कर रहे हैं ये क्या रिटर्न कर रहे हैं। ये क्यूरी में हमारे पास डाटा आ रहा है यहाँ पर और इसको हम कंसोल में शो कर रहे हैं तो यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा। चलिए मैं, काफ़ी लेंथी होगी ये लाइव स्ट्रीम, पौने दो घंटे हो चुके हैं, तो मैं इसको चेक भी कर लूँगा और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में हम इसको फिक्स भी कर लेंगे। तो मैं अपनी इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों काम नहीं कर रहा था और किस तरीके से मैंने इसको फिर मतलब ठीक किया। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अगर हो सके तो अपने टाइमलाइन पर ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया मुझे इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर दें। परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस PK के नाम से हमारी आईडी है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।